ब्रेक डाउन, जब हम बात करते हैं कि एक कोई भी पीएन डायोड की जब हमने रिवर्स बायसिंग की, उसका काम है करंट को रोक के रखना, लेकिन कभी कभी पीछे से जब बैटरी की वोल्टेज रिवर्स बहुत बढ़ा देते हैं तो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। बहुत सारे लाखों सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं उस हाई वोल्टेज से, जिससे कि करंट बहुत ड्रास्टिकली बढ़ता है। इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन होना। ब्रेक डाउन होने के दो रीज़न होते हैं ज़्यादातर, फर्स्ट रीज़न है जो हम करने जा रहे हैं, और दूसरा रीज़न कम होता है, वो एक्सीडेंटल है दूसरा रीज़न। तो अगर आप बात करो सर ये क्वेश्चन की क्या प्रोबेबिलिटी आने की, तो मैंने इसको आता हुआ देखा नहीं कभी भी वैसे, इसलिए मैं आपको दो लाइन में समझाना चाहता हूँ इसे, तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे इस पर। तो दो टाइप के ब्रेक डाउन है, पहला ज़ीनर ब्रेक डाउन। ज़ीनर ब्रेक डाउन में क्या होता है, पीएन जंक्शन में ये तब होता है ब्रेक डाउन जब डेंसिटीज जो पी और एन टाइप जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं दे आर हैविली डोप्ड, इनमें डोपिंग बहुत ज़्यादा अमाउंट से की जाती है। पी में डोपेंट बहुत ज़्यादा है, एन में डोपेंट बहुत ज़्यादा है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि इनका कॉम्बिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब जितने डोपेंट होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ जाएंगे, तो इनका कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन जंक्शन बहुत तेज होता है, जिससे कि डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है। क्योंकि डिप्लीशन लेयर मोटी का मतलब कोई मोमेंट नहीं है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, पतली होने का मतलब काफी मोमेंट है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का। डिप्लीशन लेयर पतली होने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप होता है ई बहुत हाई हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वी बाई डी, अब डी छोटा हो गया तो ई बहुत बड़ा हो गया। इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जो सिलिकॉन के बॉन्ड्स हैं उन्हीं को ब्रेक कर देता है, और इनकी क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इस ब्रेक डाउन को जो कि हेविली डोपिंग पी और एन के साथ चलता है, उसको क्या बोलते हैं, ज़ीनर ब्रेक डाउन बोलते हैं। एक लाइन में आ जाए तो बस पता होना चाहिए, डिटेल करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये ज़ीनर ब्रेक डाउन की करेक्टरिस्टिक्स हमें बताया था, रिवर्स बायसिंग में काम हो रहा है इसमें। एक है एवलांच ब्रेक डाउन, ये तो बिल्कुल भी नहीं आता, बस वैसे ही एक लाइन में बता रहा हूँ। एवलांच जैसे बर्फ गिरती है, एवलांच आ जाता है, छोटी बर्फ, बड़ी बर्फ, और बड़ी इकट्ठी होकर पूरा पहाड़ गिर जाता है, ऐसी ये एक्सीडेंटल है। पीएन जंक्शन रिवर्स बायसिंग में काम कर रहा था, इसने करंट को रोक के रखा हुआ था। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चल रहे होंगे बीच में एक आध इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जब चल रहा था ना, उसने सिलिकॉन के अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को जाके कहीं हिट कर दिया, इतना जोर के हिट किया कि उसने उस सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल दिया। अब दो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन ने आगे सिलिकॉन के दो इलेक्ट्रॉन को फिर टक्कर मार दी किसी तरीके से, और इतनी एनर्जी ट्रांसफर की कि चार इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, चार ने भागना शुरू कर दिया, चार ने फिर चार को टक्कर मारी आठ, आठ ने आठ को टक्कर मारी तो 16, ऐसे करते लाखों इकट्ठे हो गए, भीड़ लग गई पूरी। पर एक्सीडेंटल है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा नहीं मारेगा इसका चांस बड़ा कम है, इसको एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। आता नहीं है पेपर में, करेक्टरिस्टिक्स अगर मार्क करने को आ जाए किसी ऑब्जेक्टिव में, इसलिए बता रहा हूं कि जब करेक्टरिस्टिक्स हैं फॉरवर्ड बायसिंग में, ये ज़ीनर की करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये किसकी हैं, एवलांच ब्रेकडाउन की करेक्टरिस्टिक्स हैं। बस अगर मार्क करने को आ जाए पता होना चाहिए क्या मार्क करना है, डिटेल लिखने को नहीं आती, कोई टेंशन नहीं है, ठीक।